इतने सालों बाद भी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का जादू कम नहीं हुआ है। किस सुपरहिट हीरोइन ने इस फिल्म को करने से किया था इनकार? स्वागत है आपका बॉलीग्रेस स्टूडियोज में। अकेला है ये मिस्टर खिलाड़ी। अगर आप भी अभी गाने की लाइन कॉम्प्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी आज तक खिलाड़ी कुमार की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी को या फिर उसके गानों को भुला नहीं पाए हैं। क्या आप भी उन दर्शकों में से एक है जिन्हें इस फिल्म ने आज भी अपना दीवाना बना रखा है? फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी साल 1997 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। डेविड धवन के निर्देशन में बनी ये फिल्म खिलाड़ी सीरीज की पांचवी फिल्म थी और इसके पहले की फिल्मों में जहाँ अक्षय का एक्शन अवतार दिखा था, इस फिल्म में उनके रोमांटिक कॉमिक अंदाज ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के अलावा जूही चावला, सतीश कौशिक, कदीर खान, परेश रावल, जॉनी लेवर, हिमांशी पुरी जैसे कई अन्य दिग्गज कलाकारों का भी अभिनय देखने को मिला है। क्या आप जानते हैं ये अक्षय कुमार की जूही चावला और डेविड धवन के साथ पहली फिल्म थी? जूही चावला के सालों किरदार के लिए ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकी। फिल्म 10 अक्टूबर 1997 में रिलीज हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी दिन डेविड धवन की दूसरी फिल्म दीवाना मस्ताना भी रिलीज हुई थी। ऐसा करने वाले डेविड इकलौते डायरेक्टर थे। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये राजा नाम के एक मसमोले लड़के की कहानी है जिसके मामा भविष्यवाणी करते हैं कि उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, जिसे सुनकर वो रिलैक्स हो जाता है और कुछ भी काम नहीं करता। एक दिन उसकी मुलाकात शालू नाम की एक अमीर शहजादी से हो जाती है। कुछ अजीब कोइंसिडेंस के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन राजा की यूं निकम्मी लाइफस्टाइल शालू के पिता को रास नहीं आती, जो शर्त रखते हैं कि राजा शालू की सुहागरात तभी हो सकती है जब राजा उन्हें 1,00,000 रुपए अपनी मेहनत से कमा कर देगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए राजा कई सारी तिक्रमबाजी करता है, लेकिन उसके ससुर जी उसके इन सारे आलस भरे जुगाड़ों को फ्लॉप कर देते हैं। आखिरकार जब ससुर जी राजा से कहते हैं कि अगर वो पैसे नहीं लाया तो वो शालू की शादी किसी और से करा देंगे, तब जाकर राजा को बात की सीरियसनेस का अंदाजा होता है और वो पैसे लाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल देने का फैसला करता है। जब वो एक सुमो रेसलर से फाइट करने जाता है, अब क्या वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाता है? या शालू की शादी किसी और से हो जाती है, या ससुर जी अपने सोनिलो की मेहनत देखकर शर्त को कैंसिल कर देते हैं? ये सब सवालों के स्पॉइलर हम आपको नहीं देंगे, पर हम आपको ये जरूर बताएंगे आखिर क्यों आज भी ये फिल्म लोगों के दिन बनाने में कामयाब होती है। दूसरे नंबर पर आता है हमारी मोस्ट एबल रीजनेबल हीरोइन की पर्सनैलिटी। फिल्म में शालू एक पल के लिए भी राजा का साथ नहीं छोड़ती है, कुछ बाकी हीरोइन की तरह उसकी गरीबी और नाकारी पर ताने नहीं कसती है। She is literally the most supporting wife anyone can ever get. उसे अपने पिता और अपने पति के बीच बैलेंस रखना और दोनों की इज्जत करना बखूबी आता है। स्टाइलिश एडोरेबल सेसी क्वीन। तीसरे नंबर पर आता है फिल्म में दिखाए गए रिश्ते, जहां पूरे भारत में मामा भांजे के रिश्ते को कंस कृष्णा शकुनी पांडव से जोड़ा जाता है, तो वही इस फिल्म में ये जोड़ी किसी बेस्ट फ्रेंडशिप से कम नहीं है, जहां मामा अपने भांजे के लिए अजीबोगरीब स्टंट्स करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा शालू और उसके पिता का फ्रैंक रिश्ता, बकायदा पापा की लाडली वाला रिश्ता और राजा और ससुर जी के रिश्ते का तो क्या ही कहना। अब बात करते हैं फिल्म के उस फैक्टर की जिसके कारण चाहकर भी ये फिल्म भुला ही नहीं जा सकती, यानी कि फिल्म के गाने, खासकर अकेला है मिस्टर खिलाड़ी और जब तक रहेगा समोसा में आलू। ये खास कई सॉन्ग्स, बबली रिलेटेबल लिरिक्स ने इन गानों को यादगार बना दिया। ऊपर से अनु मलिक, उदित नारायण, अलका याग्निक जैसे सिंगर्स की आवाज, जाहिर है सॉन्ग्स ऑल टाइम मेमोरेबल तो होंगे ही। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए फिल्म की वो कौन सी खास बात थी जिसने आपको इस फिल्म को बार बार देखने और इसे अप्रिशिएट करने पर मजबूर कर दिया। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।